सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 41, कार्यपत्रक 42, कार्यपत्रक 43, कार्यपत्रक 44 और कार्यपत्रक 45 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 41, दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे सारणी में संख्या लिखिए। स्टार, स्टार का मतलब है 10,000, त्रिभुज का मतलब 1,000, बोल का मतलब है 1/सैकड़ा, आयत का मतलब है 1/दहाई और इस आइसक्रीम का मतलब है 1 इकाई। अब प्रतीक चिन्ह नीचे दिए गए हैं और यहाँ हमें उदाहरण दे रखा। देखिए, दो स्टार हैं, इसका मतलब 10,000 में दो। ये त्रिभुज 1, 2, 3 हैं, 1, 2, 3 और 4, तो 1,000 में है 4। सैकड़े में बोल है 1 सैकड़ा, 1 बोल। दहाई में दो, दो डिब्बे, 1 और 2, 2। इकाई में 4 आइसक्रीम, 4 संख्या है 24,124, 24,124। प्रश्न नंबर 2, 10,000 में देखिए 1 स्टार, 1। 1,000 में आएगा यहाँ 2 त्रिभुज, 2। सैकड़े में यहाँ 3 बोल, 3। दहाई में है 2 डिब्बे, 1 और 2, 2। और इकाई में 3, 12,323, 12,323। तीसरे प्रश्न में 10,000 में 3, 1,000 में 1, सैकड़े में 2, दहाई में 3 और इकाई में 5, संख्या बनेगी 31,235, 31,235। प्रश्न नंबर 2 देखिए, खाली स्थान में छोटा बड़ा चिन्ह का प्रयोग कर सही उत्तर दें। इन दोनों में ये बड़ा है, खे में इन दोनों में 58,000 और 58 लाख और 81 लाख में 81 बड़ा है, 37 लाख और 77 लाख में 77 बड़ा है, 23 लाख और 51 लाख में 51 लाख बड़ा है। प्रश्न नंबर 3, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े में लिखें। संख्या है यहाँ 87,907, इससे बड़ी 87,002,089, इससे बड़ी 87,05,433, 87,05,465, 87,909,092। खे में है यहाँ बड़ी 25,04,703, 25,05,021, 25,05,402, 25,03,30,405 और 25,50,505। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं को सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। खे, इसमें सबसे छोटा है 7,15,432, खे में सबसे छोटी है 5,67,211। यह था कार्यपत्रक 41। कार्यपत्रक 42 देखिए, दक्षता, संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। पहला, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, 5,003 + 502 का जोड़ होगा, 5,003 और 502 को जोड़ा हमने, 5,505, 5,505 के सही हैं। दूसरा, 9,852 तथा 2,334 का जोड़ कितना है, तो इसका जोड़ 9,852 + 2,334 जोड़ होगा 12,186, 12,186 सही है इसमें। दूसरा है, हल करें। 87,926 में हमें बाकी निकालना है 28,679, तो इसका हल आएगा 59,247। 76,523 में बाकी निकालेंगे 9,265, उत्तर आएगा 67,258। 80,732 में बाकी निकालेंगे 79,652, उत्तर आएगा 1,080। 70,365 में 69,998 बाकी निकालेंगे, उत्तर आएगा 367। प्रश्न नंबर 3, किसी संख्या में से 60,326 घटाने पर 4,022 प्राप्त होता है, वह संख्या लिखें।
56,304। संख्या 235,750 में अंक 5 के दोनों स्थानीय मान का अंतर, पहले 5 का स्थानीय मान का पहले का 5 का होगा 5,000, दूसरे 5 के स्थानीय मान होगा 50, 5,000 में 50 बाकी निकाले 4,950। प्रश्न संख्या 5वां। संख्या 257,634 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है, नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है? तो 2 और 4 को आपस में बदला, इस 2 की जगह 4 लिखा हमने, तो संख्या बनी 457,632, और 4 की जगह 2 लिखा तो 257,634। दोनों का हल है 1,99,998। प्रश्न नंबर 6। विवेक ने 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूं, 537 किलोग्राम दाल खरीदी, तो बताइए उसके पास कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? 2,275 प्लस 1,037 प्लस 537 बराबर 3,849 किलोग्राम केजी। ये था कार्यपत्रक 42। कार्यपत्रक 43 देखिए। यदि एक डिब्बे में 2 दर्जन कप आते हैं तो 16 डिब्बे में कुल कितने कप आएंगे? एक डिब्बे में 2 दर्जन यानी 24। 24 को हमने 16 से गुणा किया, 384। फेराइट है 384। एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है, यदि वे एक दिन में 10 घंटे सिलाई करे तो 100 दिन में कितनी ड्रेस सिलेगा? 2 घंटे में एक सिलता है, 10 घंटे काम करता है यानी रोजाना 5 ड्रेस, 100 दिन में सिलेगा 500। फेराइट है। प्रश्न नंबर 3। हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करें। 44,366 को गुणा करें 70 से, इसको इससे 70 से गुणा किया तो उत्तर आएगा 31,05,620। 65,580 को गुणा किया 12 से, उत्तर आएगा यहाँ 786,960। 63,936 को गुणा किया 18 से, उत्तर आया इसमें 11,50,848। प्रश्न नंबर 4। भाग दीजिए और गुणा द्वारा उत्तर की जांच करें। 37,440 में हम 12 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा यहाँ 3,120, और भागफल 3,120, शेषफल 0। 18,012 में 10 का भाग देंगे, भागफल 1,801, शेषफल 2। 40,535 में 13 का भाग देंगे, भागफल 3,118, शेषफल 1। प्रश्न नंबर 5। सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं, यदि उन्होंने जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो बताइए उन्होंने पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए? 120 चक्कर। कैसे हुआ देखिए, सुबह 2 शाम को 2, 4 चक्कर रोज लगा रहे हैं, जून के महीने में दिन है 30, 4 को 30 से गुणा किया 120 चक्कर। ये था कार्यपत्रक 43। आकलन 7। संख्या 36,368,075 में अंक 0 का स्थानीय मान होगा, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा कहीं भी आए। विस्तारित रूप 20,000 प्लस 3,00,000 प्लस 80 प्लस 8 की संख्या होगी 3,20,088। प्रश्न नंबर 3। संख्या 9,09,00,000 9 को अंकों में लिखेंगे, 9,09,00,000 9 को अंकों में, ये दूसरा वाला राइट है। किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है? ये है 356,300 में। प्रश्न नंबर 5। खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल 2,00,000 श्रद्धालु आए, यदि पहले दिन 90,052, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए तो तीसरे दिन कितने आए? तो हम पहले और दूसरे दिन को जोड़ के
कुल में से बाकी निकाल लेंगे तो तीसरे दिन आ जाएगा यहाँ 49,559। प्रश्न नंबर 6, एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तिकाएं और 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदी। उसने इसके लिए 15,000 रुपये नकद दे दिए, बताओ अब उसे कितनी राशि शेष देनी रही। 360 × 25 प्लस 135 × 46, दोनों को पहले गुणा करेंगे 15,220 और इसका आएगा 15,000। 15,220 में से 15,000 बाकी निकाले, 210 रुपये देने बाकी है। सातवां प्रश्न है, यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। यदि इस भाव से 40 पंखे खरीदने हो तो उनका मूल्य 8,750 में हमने 5 का भाग लिया 1,750, 1,750 को गुणा किया 40 से 70,000 कुल हो गया। अगला प्रश्न है, 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं तो 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे। यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ 1 किलो 3 किलो में 66 बनेंगे तो 1 किलो में बनेंगे 22 लड्डू। अब 32 किलो में कितने बनेंगे, 32 × 22 704 लड्डू बन जाएंगे। और एक डिब्बे में हमने 16 पैक किए तो 704 को हमने 44 डिब्बे आ जाएगा, 704 में हमने 16 का भाग लगा दिया। यह था आकलन 7, कार्यपत्रक 44। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित बिंदुओं को प्रदर्शित करें, 3/5, 8/5, 9/5 और 10/5। तो हमें लिखेंगे यहाँ 0, 1 और 2, कुल खाने हैं 10। तो यहाँ तीसरे खाने पर आएगा 3/5, 8वें खाने पे 8/5, 9वें पे 9/5 और 10वें पे 10/5 आ जाएगा। इसी प्रकार 2/10, 5/10, 8/10 और 10/10 को हम प्रदर्शित करेंगे, दूसरे खाने पे 2/10, 5वें पे 5/10, इसके बाद 8वें पे 8/10 और 10वें पे 10/10। प्रश्न नंबर 3, 3/7, 8/7, 6/7 और 1/7 को प्रदर्शित करेंगे, पहले पे 1/7, दूसरे तीसरे पे 3/7, छठे पे 6/7 और 8वें पे 8/7 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, 1/4, 3/4, 4/4 और 7/4 को प्रदर्शित करें, तो 1 पे 1/4, 3 पे होगा 3/4, 4 पे 4/4 और 7वें खाने पे होगा 7/4। प्रश्न नंबर 2, आकृति में छायांकित भाग के लिए बिंदु लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाएं। आकृति देखिए, 6 खाने हैं और 3 छायांकित, बिंदु होगी 3/6। संख्या रेखा देखिए यहाँ 1, 2 और 3, 3 पे आएगा 3/6। दूसरे में कुल खाने हैं 8 और छायांकित है 5, बिंदु होगी 5/8। 5वें खाने पे होगा 5/8, 5/8 यहाँ लिख दें। प्रश्न नंबर 3, कुल खाने हैं यहाँ 12 और 4 16 और छायांकित हैं यहाँ 3 और 3 6, बिन बनेगी 6/16। 6वें खाने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6वें खाने पर 6/16। प्रश्न नंबर 3, बिन संख्याओं 2/6, 3/6, 5/6 और 4/6, 1/6 को संख्या रेखा बना दर्शाएं, 0 से 1, कुल बीच में 6 खाने हैं, पहले खाने पर 1/6, दूसरे पे 2/6, तीसरे पे 3/6, चौथे पे 4/6 और 5वें पे होगा 5/6। ये था कार्यपत्रक 44। कार्यपत्रक 45 देखिए, आकृति में छायांकित भाग के समतुल्य बिंदुओं को लिखें और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित कीजिए। क्या इसमें देखिए, 3 खाने हैं और 1 छायांकित है 1/3, इसके समतुल्य होंगे, बीच में एक लाइन खींच दी यहाँ 2/6। 6 में हैं 1, 2, 3 छायांकित हैं, कुल है 5, 3/5,
समतुल्य होगी। इसके बीच में एक लाइन और खींच दी, 6/10। गेम में चयंकित है 1/2, समतुल्य है इसकी 6/12। गय चयंकित है 1/2, समतुल्य 2/4। डय चयंकित है इसमें 1/3 और समतुल्य है यहाँ 2/6। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई भिन्नों की दो समतुल्य भिन्न लिखें। 3/4 की होगी 6/8, 12/16। 3/6 की 1/2, 9/18। 4/8 की 20/40, 8/16। गेम में 5/12, 10/24, 20/48। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई कौन सी आकृति का जोड़ा समतुल्य भिन्न को दर्शा रखा है, बॉक्स में राइट और गलत लिखें। तो इसमें ये इसको समतुल्य नहीं दर्शा रहा है, ये इसकी समतुल्य यानी 2/3 और 2/6 ये भी नहीं दर्शा रहा है, 2/3 और 2/6। अगला है 1/4, 2/8 ये दर्शा रहा है, इसमें राइट लगाएं। 1/3 और 1/2 नहीं दर्शा रहा है, इसको गलत लगाएं। ये था कार्यपत्रक 41, 42, 43, 44 और 45। और भी कार्यपत्रकों के हल देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, उस लिंक से आप सभी कार्यपत्रकों को एक साथ भी देख सकते हैं। हमने सभी कार्यपत्रक हल करके एक साथ डाल रखे हैं। इसका हल आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।